नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो कल काउंटिंग होगी, लेकिन किंग कौन होगा? जीत और हार की तस्वीर साफ होगी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नतीजों से पहले ही इन सवालों पर चर्चा तेज है। इस बीच सी वोटर के सर्वे में सामने जो तथ्य आए हैं, उससे तपिश और बढ़ गई, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पहली पसंद बनते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब ज्यादा वक्त नहीं है। रात के अंधेरे को चीरकर उगने वाला सूर्य जैसे जैसे क्षितिज पर चढ़ेगा, नंबर्स की शक्ल में विधानसभा चुनाव में हार और जीत की तस्वीर साफ होती जाएगी। लेकिन फाइनल नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजों पर चर्चा जारी है। चर्चा ये भी है कि आखिर इन राज्यों में मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे कौन है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। 41% लोग कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं 32% लोग शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह की लोकप्रियता घटी है। इसके अलावा 10% लोगों की राय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस 113 से 137 सीटों के साथ बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। तो मुख्यमंत्री की रेस में कमलनाथ शिवराज सिंह से आगे निकलते दिख रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी सर्वे के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में हैं। सीएम के रूप में भूपेश बघेल की लोकप्रियता बरकरार है। सी वोटर के सर्वे में 40% लोगों का मत है कि भूपेश बघेल को ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जबकि 29% लोग रमन सिंह के पक्ष में हैं। वहीं 8% लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के पक्ष में हैं। एक तथ्य ये भी है कि छत्तीसगढ़ में सी वोटर के साथ ही तमाम एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 47 सीट मिल सकती हैं। राजस्थान में भी सर्वे का आंकड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में हैं। राजस्थान में 36% लोगों का मत है अशोक गहलोत दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने, जबकि 23% लोग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पक्ष में हैं। वहीं 18% लोग सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 104 सीट मिल सकती हैं, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को तगड़ी फाइट दे रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि तेलंगाना में लोकप्रियता के मामले में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में केसीआर को 34% लोगों ने पसंद किया है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को 35% लोगों ने पसंद किया है, जबकि बीजेपी के बंडी रेड्डी को 14% लोगों ने पसंद किया है। साफ है कि राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री की रेस में दूसरी पार्टियों से कहीं आगे हैं। लेकिन ये नतीजों पर निर्भर करेगा कि इन राज्यों में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आती है। देखिए, कहा जाता है कि चुनावी राजनीति में चेहरों का अहम रोल होता है। चुनाव से लेकर हर तरह की रणनीति खास चेहरों को लेकर ही बनाई जाती है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक ऐसे कई दिग्गज हैं जिनके लिए चंद घंटे के बाद आने वाले नतीजे निर्णायक होंगे। चुनावी हार जीत का फैसला तो ईवीएम खुलने के बाद ही होगा, लेकिन यही फैसला राजनीति में लंबा दौर देख चुके कई दिग्गजों की भविष्य की राजनीति की राह भी तय करेगा। 4 राज्यों में नतीजों से पहले, नतीजों के बाद की सियासत का संपूर्ण विश्लेषण करती
ये रिपोर्ट गौर से देखिए। अब से चंद घंटे बाद राजस्थान की सत्ता का फैसला नहीं होगा बल्कि उन सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी जिनके इर्द गिर्द दशकों से राजस्थान की सत्ता की धुरी घूमती रही है। इन्हीं में पहला नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में जब भी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल आता है तो एक नाम उभरता है, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी एक दूसरे का पर्याय हुआ करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या वसुंधरा राजे सीएम होंगी, और यदि ऐसा नहीं तो फिर वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य क्या होगा। राजस्थान में बीजेपी का जिक्र वसुंधरा राजे की राजनीति के बिना अधूरा है। ये और बात है कि इस बार का चुनाव बीजेपी ने बगैर सीएम चेहरे के लड़ा, जिसने कई कयासों और अटकलों को हवा दे दी है। लेकिन वोटिंग से तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 में हुई रैली से आई तस्वीर ने हर कयास को दूर कर दिया। 21 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। जब वो कुर्सी पर बैठे तो उनके ठीक बगल की सीट पर वसुंधरा राजे बैठी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मंच पर बड़ी सी माला लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे इसके भीतर एक फ्रेम में एक साथ आए। इस बीच प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे से कुछ हंसकर कहा। वसुंधरा ने उन्हें जवाब भी दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये वो तस्वीर थी जिसका वसुंधरा राजे के समर्थक भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की संगठन में पकड़ किसी से छिपी नहीं है। भले उन्होंने जो शुरुआत है चुनाव की थोड़ा हल्के तौर पे की, लेकिन बाद में वे अपने पुराने अंदाज में नजर आईं। उन्होंने जमीन पर काम किया और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित किया। चुनावी अभियान में भी वसुंधरा राज्य भर के हर क्षेत्र तक पहुंची। पार्टी के सीनियर नेताओं से शिकायत के बिना वो लोगों से संपर्क बनाने में जुटी रही। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा 60 रैलियां की, अपने हर समर्थक के इलाके में पहुंची। सवाल ये है कि क्या बीजेपी की सरकार बनने पर वसुंधरा सीएम बनेंगी? क्या पार्टी हाईकमान वसुंधरा राजे के नाम पर राजी होगा? इन सवालों का जवाब नतीजे आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन राजस्थान में ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी के सत्ता में आने का इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम पद की तगड़ी दावेदार बनकर उभरेंगी। एबीपी न्यूज ने बीजेपी के नेताओं से भी इस पर राय ली। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। आपकी पार्टी अगर आ जाती है सरकार में, जो आप यकीन दिला रहे हैं, तो कौन सीएम का चेहरा होगा? समय बहुत कम बचा। ये मेरे वो नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। वो बोर्ड जो निर्णय करेगा निश्चित रूप से प्रदेश के हित में। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जिसको आलाकमान तय करेगा, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता तय करेंगे, वही हमारा सरताज होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी, करीबन 130 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। वसुंधरा जी का एक लंबा अनुभव है, वो दो बार मुख्यमंत्री भी रही, पर ये सारा तय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी करेंगे। नेताओं की अपनी राय है, लेकिन जानकार ये भी मान रहे हैं कि उन्हें अन्य नेताओं से तगड़े मुकाबले का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ आए, जैसा कि कुछ एग्जिट पोल अनुमान भी लगा रहे हैं, तो ये राजस्थान बीजेपी के भीतर सिंधिया युग के खात्मे के ऐलान की तरह होगा।
सिर्फ वसुंधरा राजे ही नहीं बल्कि चंद घंटे बाद आने वाले चुनाव के नतीजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सियासी भविष्य भी तय करेंगे। पिछले दो दशकों से राजस्थान की राजनीति अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि अगर रिवाज बरकरार रहता है तो ये अशोक गहलोत के लिए कितना तगड़ा झटका हो सकता है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है। करीब 30 साल से तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अशोक गहलोत रिवाज बदलने और राज बरकरार रखने का दावा कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस ही बनेगी राजस्थान के अंदर। पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। अशोक गहलोत फिर से सत्ता में वापसी के लिए कॉन्फिडेंट हैं। कुछ एग्जिट पोल्स में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का भी इशारा मिल रहा है। राजस्थान में अगर कांग्रेस सत्ता बरकरार रखती है तो सीएम का चेहरा क्या अशोक गहलोत ही होंगे? कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, सुनिए। अशोक गहलोत का गजकेसरी हो गया, राहुल गांधी का टाइम बहुत अच्छा शुरू हो गया और कांग्रेस की कुंडली बहुत अच्छी है। नीयत जब अच्छी होती है कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की, नेता की, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। रिजल्ट अच्छे आएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेताओं को गहलोत पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जरूर है कि अशोक गहलोत के लिए इस बार के चुनाव नतीजे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। अशोक गहलोत राजस्थान में सत्ता का ट्रेंड तोड़कर इतिहास रचेंगे। ऐसे में अशोक गहलोत का कद राजस्थान ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी कई गुना बढ़ जाएगा। जाहिर है कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत को कहीं चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन अगर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रहता है और बीजेपी सत्ता में आती है तो गहलोत की सियासी राह आसान नहीं होगी। जाहिर है 72 साल के जादूगर पर अगली पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ने का दबाव बढ़ जाएगा और इनमें पहला नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट नई पीढ़ी के नेता हैं। अशोक गहलोत के साथ में उनकी सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चंद घंटे बाद आने वाले नतीजे सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य के मद्देनजर भी बेहद ही अहम साबित होंगे। सचिन पायलट गुर्जर नेता हैं। 2018 में राजस्थान का गुर्जर वोट कांग्रेस के खेमे में गया, लेकिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। इस दफा भी राह मुश्किल ही नजर आ रही है। राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती है तो इसका श्रेय अशोक गहलोत को जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट की दावेदारी कमजोर पड़ेगी। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो ये गहलोत के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। ऐसे में सचिन पायलट राजस्थान में पार्टी के सेंटर में आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान और कयास हैं। असल नतीजा क्या होगा ये चंद घंटे बाद पता चल जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। विश्वास है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे, कल सब सूरज की तरह साफ, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। शिवराज चौहान, वो नाम जो 2003 से ही मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए खास रहा है। शिवराज चौहान 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या पांचवी बार बन पाएंगे, इसका जवाब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मुख्यमंत्री जो पार्टी तय कर दे, कौन कौन हो सकता है? सभी हो सकते हैं, 230 में से कोई भी हो सकता है। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के हैं तो बीजेपी के साथ ही शिवराज चौहान के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है।
जाहिर है सूबे में बीजेपी की सत्ता से बेदखली शिवराज सिंह के सियासी भविष्य पर ही सवाल या निशान छोड़ जाएगी। ऐसे में एक नाम है जो उभर सकता है और वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी सुबह तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी के सत्ता में आने से सिंधिया का सियासी कद भी बढ़ेगा। वैसे भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ये उनका पहला चुनावी इम्तिहान है। बीजेपी के जीतने पर सिंधिया के सीएम पद पर दावेदारी भी बनेगी, लेकिन चुनावी शिकस्त सिंधिया को भी निराश कर सकती है। वैसे कांग्रेस भी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है, तापमान बढ़ गया। हालांकि जो मौसम का तापमान है लगातार ठंडा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस का दफ्तर है। कांग्रेस के दफ्तर में कमलनाथ के होर्डिंग लगने लगे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने होर्डिंग्स लगा दी हैं। जनता का दैन्य साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के नतीजे कांग्रेस के साथ ही कमलनाथ की राजनीति के लिए भी अहम साबित होंगे। 77 साल के कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव आखिरी रण की तरह है। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुए और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। कमलनाथ को सियासत का लंबा तजुर्बा है, लिहाजा अगर मध्य प्रदेश के नतीजे 2018 की तरह ही होते हैं तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। कांग्रेस के जीतने से कमलनाथ का सियासी इकबाल और बुलंद होगा। पिछली बार उन्होंने शिवराज सरकार के अजय रहने के तिलिस्म को तोड़ा था। ये और बात है कि सरकार टिक नहीं पाई, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। कांग्रेस की जीत पर कमलनाथ के लिए दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं होगी। जीतने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तय होने के साथ निष्कंटक भी रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो ये कमलनाथ के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 77 साल के कमलनाथ के लिए एमपी की सत्ता पर बैठने का ये आखिरी मौका है। अगले चुनाव तक वो 82 साल के हो जाएंगे। ऐसे में राजनीति में लगातार एक्टिव रहना बड़ी चुनौती हो सकती है। वैसे ये सिर्फ सियासी कयास है, एग्जिट पोल के नतीजों का सारांश है। असल नतीजे क्या होंगे, कौन जीतेगा, किसे शिकस्त मिलेगी, वादों और दावों की अग्नि परीक्षा तो ईवीएम खुलने के बाद ही होगी। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों को उम्मीद है कि रविवार की सुबह उनके लिए सत्ता का संदेश लेकर आएगी। यही उम्मीद दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को भी है, जिनकी साख दांव पर है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भूपेश बघेल, बीजेपी के सांसद विजय बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल होना है, क्योंकि नतीजे पक्ष में रहे तो इन नेताओं की ना सिर्फ साख बढ़ेगी बल्कि सत्ता के शिखर तक पहुंचने के विकल्प भी खुल जाएंगे। रात के गर्त में जैसे जैसे वक्त का पहिया सुबह की ओर बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ के सियासी सूरमाओं की धड़कन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज,
विजय बघेल समेत कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए यह चुनाव कहीं ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो फिर इसका सीधा असर उनके राजनीतिक कैरियर पर पड़ सकता है। रमन सिंह लगातार 3 बार यानी 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके नेतृत्व में 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2018 में बीजेपी को महज 15 सीट मिली थी। नतीजा, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर एक बार फिर बीजेपी सत्ता की दौड़ में पीछे रह जाती है तो फिर बीजेपी नेतृत्व नई रणनीति पर विचार कर सकता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि आने वाले नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भूपेश बघेल 75 से आज 50-40 में आ गए हैं, और जनता ने पूरी तरीके से भूपेश के चेहरे को रिजेक्ट किया है, कांग्रेस को रिजेक्ट किया है कि भूपेश की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जो नतीजों के रूप में दिख सकती है। इसी टक्कर में रमन सिंह अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नतीजों को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, बीजेपी के नेता जीत के दावे भी कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि रमन सिंह समेत कई नेताओं की साख दांव पर लगे हैं। इनमें से एक नाम सांसद विजय बघेल का भी है। बीजेपी ने विजय बघेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने पाटन विधानसभा क्षेत्र अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्हें ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल की कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 50% है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि विजय बघेल के जरिए बीजेपी की कोशिश ओबीसी वर्ग को अपनी ओर लाने की थी, लेकिन बीजेपी की विजय बघेल वाली रणनीति कितनी कारगर होती है, तस्वीर नतीजों के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, कांग्रेस सदमे में है। उछल उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। भूपेश जी तो शुरू से बोल रहे थे कि 75 पार एग्जिट पोल ने उनको ला दिया है 50-55 पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भूपेश बघेल की सरकार से त्रस्त हो गई थी, इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। बीजेपी इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई मौकों पर फूट दिखाई दी। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को लेकर चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहा। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने मतभेदों को दूर करने के लिए बड़ा दांव चला। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, साथ ही भूपेश बघेल के नेतृत्व की जगह कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के इस फैसले ने टीएस सिंहदेव के पास एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। हालांकि वो कुर्सी तक पहुंचेंगे या नहीं, ये नतीजों पर निर्भर करेगा। कम से कम मुस्कुराने का मौका तो मिला। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। जाहिर है टीएस सिंहदेव भी मानते हैं कि इस बार कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा घटेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सीट बहुमत के आंकड़े से कम हुई तो फिर टीएस सिंहदेव बड़ा मौका गंवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, राज्य में कांग्रेस का बड़ा चेहरा टीएस सिंहदेव की उम्र 70 बरस की है।
अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर अगले चुनाव में उनकी उम्र 75 पार होगी और ऐसे में कम ही संभावना बचती है कि अगले चुनाव में सिंहदेव सत्ता के कुर्सी पर पहुंच पाए। भूपेश बघेल सरकार में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई बड़े नेताओं की राजनीतिक करियर की दिशा नतीजों से तय होगी। पांच राज्यों में तेलंगाना वो इकलौता राज्य है जहां सबसे बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से तेलंगाना बना यहां सिर्फ केसीआर की सत्ता रही, लेकिन इस बार निजाम बदल सकता है। एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि इस बार केसीआर की कुर्सी खतरे में है। अगर ऐसा हुआ तो केसीआर के साथ साथ ओवैसी का भविष्य भी संकट में पड़ जाएगा। वो आखिर कैसे, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबको मालूम है कि वो जा रहे हैं। क्या तेलंगाना में केसीआर का खेल खत्म होने वाला है? अकबरुद्दीन ओवैसी गोशा महल प्रचार नहीं करते, लेकिन हवा महल में जाके प्रचार करेंगे जयपुर के। और जो ठेकेदारी थी, 8 सीट आप ले लो, बाकी के पूरे तेलंगाना के अकलियत के वोट बीआरएस की झोली में डाल दो, वो मिथक हम तोड़ने जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। क्या ओवैसी का किला ढहने वाला है? क्योंकि जब से तेलंगाना के एग्जिट पोल आए हैं तब से बीआरएस और एआईएमआईएम की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस न सिर्फ जीत रही है बल्कि बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे दिखाई दे रही है। लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर ईमानदारी के साथ लड़ी, समय समय पर मुद्दों को उठाया। देश में ईमानदारी के साथ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है वो नेता राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही देश के अंदर परिवर्तन की आंधी चल रही है। अब हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर एग्जिट पोल नतीजों में बदले तो केसीआर का सियासी भविष्य क्या होगा। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है, जब से तेलंगाना बना है तब से यहाँ केसीआर का ही हुक्म चलता रहा है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि तेलंगाना का निजाम बदलने वाला है। वो लोग जा रहे हैं, सारू कारू मल्ला रारू, बाय बाय केसीआर। अगर ऐसा हुआ तो ये केसीआर और ओवैसी दोनों के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ये दोनों मानकर चल रहे थे बीआरएस को हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। तेलंगाना का सियासी रण अपने बयानों को लेकर भी खूब चर्चा में रहा है, जिसकी गर्माहट चुनाव खत्म होने के बाद भी दिख रही है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तुम। राहुल गांधी जो है इतिहास नहीं जानते हैं, बेचारे पप्पू है। ऐसे में अगर कांग्रेस तेलंगाना जीतती है तो उसके लिए ये महज जीत भर नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम वोटर का बीआरएस और ओवैसी से मोह भंग हो गया है और पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी केसीआर और ओवैसी के लिए खतरे की घंटी होगी। क्योंकि तेलंगाना का सीधा और साफ सिस्टम है, जो विधानसभा चुनाव जीतता है लोकसभा में भी उसी का पलड़ा भारी दिखता है। इसके अलावा कई सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है, जैसे भविष्य को लेकर ओवैसी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस बहुमत से कुछ दूर रह गई तो क्या वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 2024 में केसीआर किसके साथ खड़े होंगे।